नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग टिप्स में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज से 10 दिन पहले हमने आपको एक पेड़ दिखाया था नींबू का, ये वही पेड़ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, अगर आपके पेड़ पे फूल नहीं आ रहे हैं या फूल कम आ रहे हैं या फूल झड़ जाते हैं, फल नहीं बनता, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो पहले आपने देखा होगा कि इस पेड़ पे एक भी फूल नहीं था, अभी आप देख सकते हैं इस पे कितना ज़्यादा फ्लावरिंग आया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इस पे फ्लावरिंग हुआ है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हमने कुछ छोटे छोटे काम इस पे किए थे, उनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। उसके कारण आप देख सकते हैं इस पे कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। अगर आपके पेड़ के पत्ते सिकुड़ रहे हैं या फूल गिर रहे हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। पेड़ के पत्ते कभी भी ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो आप M45 पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपने पौधों में महीने में एक बार छिड़काव अवश्य करें, या तो फिर आप मेनको जेब पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अगर आपके पेड़ के फूल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप एक देसी नुस्खा भी अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 लीटर पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर उसका छिड़काव भी आप कर सकते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ आएगी और आपके फल ज़्यादा बनेंगे। मधुमक्खियों से परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें, इनको ध्यान में रख के आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हमने इस पेड़ की खुदाई करके इसका जाला वाला निकाल के इसमें पानी देके और पाउडर का थोड़ा छिड़काव किया तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।